हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे बुलबुलडी के व्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे स्क्रब के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे न्यू वीडियो हमेशा लेकर आ सकूँ। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे से स्क्रब के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो कि एक बहुत अच्छा स्क्रब है एंड अच्छा सा हमें ग्लो देता है फेस पे। इसके लिए हमें करना है कि अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद हमें फिर इसे अप्लाई करना है। तो चलो, हमें अपना फेस तो पहले से ही वॉश था। अगर आप लोगों के फेस पे ऑयल या क्रीम वगैरह कुछ भी लगी हो, तो आप लोग पहले जाके फेस वॉश करके उसके बाद उसका यूज़ करें। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उसे यूज़ करना है। तो ये है वो एवरियूथ का स्क्रब, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत सस्ता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है 15 रुपये का। तो ये 15 रुपये में हमें कोई भी जनरल स्टोर या फिर कोई भी डीमार्ट में मिल सकता है। इसका बड़ा पैक भी आता है, बट छोटा ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इसे छोटा ही लाया है। तो हम इसे करके बताती हूँ आप लोगों को कि इसका स्क्रब हमें क्या इफ़ेक्ट देता है फेस पे। तो चलो अब मैं देखते इसे हम। तो अभी मैं अपने बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ, ताकि जब मैं स्क्रब करूँ तो मेरे बाल बीच में ना आए। तो यहाँ मैंने अभी अपने बालों को अच्छे से बांध लिया है। मैंने फेस ऑलरेडी वॉश करके बैठी हूँ, तो अब मैं देखो अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ। आपके फेस के हिसाब से आप जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ ये इतना ले लिया है। तो बस अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे एंड अपने फेस पे ऐसे डिप डिप करके पूरे फेस पे लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमें बस ऐसे ही करके पूरे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और बस हमें थोड़ा थोड़ा वाटर लेके अच्छे से हल्के हाथों से हमें ऐसे करके स्क्रब करते रहना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम इसे स्क्रब करेंगे। एकदम हल्के हाथों से करेंगे, हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। बस हमें वाटर थोड़ा ज़्यादा लेते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि हमारा स्क्रब जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो देखिए गाइस, बस हमें ऐसे ही नॉर्मली स्क्रब करना है अपने हल्के हाथों से। याद रखिए, हमें पानी थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना है, हमें सूखा स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा वाटर लेके हम अच्छे से इसे यूज़ करते जाएंगे। बस हमें ऐसे ही नॉर्मल हाथों से स्क्रब करना है अपने पूरे फेस पे अच्छे से एंड थोड़ा थोड़ा हमें पानी लेके यूज़ करते रहना है, ताकि हमारा जो स्क्रब है वो सूखे ना और अच्छे से हमारे फेस पे पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा स्टेप नहीं आती हो, तो आप ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ अभी, ऐसे ही नॉर्मल स्टेप कर सकते हो घर पर खुद से ही। तो गाइज, यहाँ मेरा स्क्रब अब अच्छे से हो चुका है, मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक के मैंने इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं जाके अपना फेस वॉश करके आती हूँ। आप लोग चाहो तो इसे कपड़े से भी पोंछ सकते हो, बट वॉश करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अभी जाके अपना फेस अच्छे से वॉश करके आती हूँ, उसके बाद आपको आके दिखाती हूँ कि मेरे फेस का पहले कैसा था और अभी कैसा है, तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। तो गाइज, फिर मैं आती हूँ अपना फेस वॉश करके। तो गाइस, यहाँ पे मैं अभी अपना फेस अच्छे से वॉश करके आ गई। सो आप लोग देख सकते हो, अभी मेरा फेस जो पहले था उसे अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्लीन लग रहा होगा। सो गाइस, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ये वाला स्क्रब यूज़ करें। एवरियूथ का काफ़ी अच्छा स्क्रब है एंड बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देता है, जो कि मेरे फेस पर अभी आप लोग को दिख रहा होगा। मेरा फेस अभी मुझे बहुत अच्छा फ्री फ्री सा लग रहा है। पूरी जो टैनिंग वगैरह थी मेरी अच्छे से रिमूव हो गई है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, मैं अभी अपना वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय।